नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का मेंस पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका पीवीएससी क्वेश्चन होगा, ठीक है, पीवीएससी नैनो किताब से। और इस किताब में जो भी आपका आंसर लिखा गया उसी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा जीएस का पेपर टू होगा और उसका सेक्शन वन भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। तो विभिन्न नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और 1950 के बाद बिहार में इन्हें किस प्रकार से किस तरह से क्रियान्वित किया गया है, ठीक है। और यह आपका क्वेश्चन जो है 51 53 से 55 बीपीएससी 2012 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। तो विभिन्न नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और 1950 के बाद बिहार में इन्हें किस तरह से क्रियान्वित किया गया था, ठीक है। तो संविधान के भाग चार, में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और निर्देशक तत्वों का उद्देश्य राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की स्थापना करना है। यद्यपि संविधान में निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया, परंतु उनकी प्रकृति एवं मूल भावना को समझने के लिए इन्हें निम्न भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और निर्देशक तत्वों का उद्देश्य राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की स्थापना करना है। यद्यपि संविधान में जो है निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया, परंतु इनकी प्रकृति एवं मूल भावना को समझने के लिए इन्हें निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला आपका समाजवादी सिद्धांतों पर, आधारित तत्व। तो इन सिद्धांतों का उद्देश्य राज्य के समाजवादी स्वरूप को बनाना एवं लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ऐसे सिद्धांत राज्य को निम्न निर्देश देते हैं। और नेक्स्ट आपका राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। यह आपका आर्टिकल 38 में समान न्याय और निःशुल्क, विधिक सहायता, समान कार्य के समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। और आर्टिकल 39A में सार्वजनिक धन का स्वामित्व, तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, आर्टिकल 39B के तहत। धन का समान वितरण, आर्टिकल 39C के तहत। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, आर्टिकल 41 के तहत। काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, आर्टिकल 42 के तहत प्रावधान है, ठीक है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43 के तहत ये आपका प्रावधान है डीपीएसपी में। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना आर्टिकल 43A में। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, आर्टिकल 47। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित, तो गांधी जी के आदेशों से प्रेरित कुछ निर्देशक तत्व विनिमय। तो पहला आपका ग्राम पंचायतों का गठन, तो पहला आपका ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आर्टिकल 43 में। SC ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के, तो SC ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46 में। मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों का निषेध आर्टिकल 47 में। दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध, तो दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध आर्टिकल 48 में कहा गया है, ठीक है। तीसरा आपका उदारवादी, तो उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित तत्व, निर्देशक तत्व निम्न है। तो पहला आपका नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता आर्टिकल 43, आर्टिकल 44। प्रारंभिक शैशव अवस्था की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 42 45 में बताया गया। कृषि एवं पशुपालन का संगठित एवं वैधानिक पद्धति अपनाकर उनका विकास करना आर्टिकल 48 के तहत। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन वन जीवों की रक्षा आर्टिकल 48 का ही है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थान और वस्तु का संरक्षण आर्टिकल 49 के तहत। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 के तहत, ठीक है। तो ये आपका डीपीएसपी का आर्टिकल था, टोटल 36 से लेकर 51 तक। इसका महत्व क्या, तो यद्यपि नीति
निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए कार्यपालिका बाध्य नहीं है, परंतु भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी सरकार का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। वैसे में नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका को सही दिशा दिखाते हैं, सामान्यतः सरकार इनका ध्यान रखती है। अभी जन कल्याण के अनेक कार्यक्रम इन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो महत्व क्या, तो यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए कार्यपालिका बाध्य नहीं है, परंतु भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी सरकार का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। वैसे में नीति निर्देशक तत्व एवं तत्व कार्यपालिका को सही दिशा दिखाते और सामान्यतः सरकार इनका ध्यान रखती है। अभी जन कल्याण के अनेक कार्यक्रम इन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है, बिहार में क्रियान्वयन 1950 के बाद भारत में नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन कई स्तरों पर करने का प्रयास किया गया। बिहार में भी इन्हें समग्र भारत में क्रियान्वयन के अनुसार ही क्रियान्वित किया गया है। बिहार में 1950 के बाद नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन हेतु किए गए प्रयास को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38 एवं 39 में दिए गए निर्देश के अनुरूप आय एवं धन एवं उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण एवं अधिकतम लोगों के आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने हेतु भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, हरित क्रांति, सार्वजनिक उच्छेद के उपक्रमों की स्थापना पर जोर दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में 1950 में बने भूमि सुधार अधिनियम, जमींदारी तथा उन्मूलन भूदान अधिनियम 1954, बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम 1956 एवं भूमि हदबंदी अधिनियम 1966 उल्लेखनीय है। लेकिन बिहार में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण भूमि सुधार के प्रयासों को आशानुरूप सफलता नहीं मिली और भूमि सुधार बिहार में राजनीतिक मुद्दा बन गया, जिससे आगे चलकर हिंसा और उग्रवाद का जन्म हुआ। राज्य सरकार द्वारा 490,000 एकड़ भूमि अधिनियम के तहत अधिकृत की गई, लेकिन 160,000 एकड़ भूमि न्यायालय में विवादास्पद हो गया है। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत में बिहार में गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP के तहत 1960-61 में शाहबाद में किया गया, लेकिन पंजाब हरियाणा राज्यों के समान बिहार में कृषि के विकास को गति नहीं मिल सकी। यद्यपि फसल प्रतिरूप में परिवर्तन आया तथा धान का क्षेत्रफल घटा जबकि गेहूं का क्षेत्रफल बढ़ा। भूमि सुधार कार्यक्रमों को ठीक से लागू न हो पाने, किसानों की गरीबी, प्राकृतिक आपदा, पूंजी की कमी ने कृषि विकास को बिहार में प्रभावित किया है। ठीक है, तो बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसा चीनी, कागज तथा सीमेंट आदि के कारखानों आदि की भी स्थापना की गई, लेकिन कालांतर में अधिकतर दुर्गमता के शिकार हो गए। यद्यपि हाल के वर्षों में इनके पुनर्जीवन के प्रयास तथा औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु अनेक कदम उठाए गए, फिर भी व्यापक रूप से सफलता नहीं मिल पाए। संविधान के आर्टिकल 38 एवं 39 के विभिन्न खंडों के अनुरूप बिहार में भी समान कार्य के लिए समान वेतन प्रणाली, बाल श्रम प्रतिशत अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किए गए हैं। संविधान का आर्टिकल 39 घ एवं 41 में नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार तथा काम पाने के अधिकार देने का निर्देश दिया गया। तदुपरांत भारत में कई रोजगार कार्यक्रम जैसे मनरेगा है जो बिहार में भी चल रहा है। बिहार में चल रहे रोजगार कार्यक्रमों में राष्ट्रीय आजीविका मिशन भी उल्लेखनीय है। संविधान के आर्टिकल 40 की भावनाओं के अनुरूप बिहार में पंचायती राज अधिनियम भी लागू हुआ है और इनका प्रत्येक 5 वर्षों में नियमित चुनाव भी हो रहा है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर इस संस्था के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया गया है। संविधान के आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार का उल्लेख है। इस स्थिति में कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं यथा वृद्धावस्था पेंशन योजना, दुर्घटना मुआवजा योजना तथा हाल ही में लागू की गई मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोप योजना, मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना, संबल और भिक्षावृत्ति निवारण योजना उल्लेखनीय है। संविधान के आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के अनुरूप बिहार में भी प्रसूति हित लाभ अधिनियम, कारखाना अधिनियम लागू है और इसके अतिरिक्त ममता कार्यक्रम एवं जया प्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना जैसे हाल ही में प्रारंभ किए गए कार्यक्रम भी उल्लेखनीय है। संविधान के आर्टिकल 43 में कार्मिकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग के अनुरूप बिहार में मजदूरी अधिनियम तथा कारखाना अधिनियम लागू है। संविधान के आर्टिकल 45 के आलोक में शिक्षा का अधिकार कानून बिहार में भी लागू किया गया और इसके अलावा स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री साइकिल एवं
पोशाक योजना भी लागू की गई है। संविधान के आर्टिकल 46 में अनुसूचित अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्लभ दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अन्य संबंधी हितों की अभिवृद्धि के प्रावधान के अनुरूप बिहार में भी इन वर्गों के लिए छात्रवृत्ति, नगद सहायता, कौशल विकास और आरक्षण जैसे पहल किए गए। विगत वर्षों में बिहार के अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हुनर योजना, तालीम मरकज योजना तथा मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना शुरू किया गया है। संविधान के आर्टिकल 47 में पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य के जिस कर्तव्य का उल्लेख है उसी के अनुरूप बिहार में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना, ममता कार्यक्रम, एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा संबंधी योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का सबसे नकारात्मक पक्ष है नशाबंदी के संदर्भ में पहले पार्टी गंभीरता का अभाव। संविधान के आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठित प्रावधान के अनुरूप बिहार में भी कृषि, पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के विशेष प्रयास किए गए और इस संबंध में कृषि रोडमैप, कृषि कैबिनेट, धान की श्री विधि से खेती, वन नीति, कृषि वानिकी, वृक्ष संरक्षण योजना, समग्र पशुधन विकास योजना, विभिन्न अभयारण्यों, राष्ट्रीय पार्क एवं पश्चिम बिहार के संदर्भ में भी किए गए प्रयास उल्लेखनीय है। संविधान के आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के प्रावधान के अनुरूप भी पुरातात्विक एवं कलात्मक महत्व के स्थलों में स्थलों से समृद्ध बिहार में ऐसे स्थलों के संरक्षण एवं परिरक्षण के प्रयास हो रहे हैं। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि बिहार में नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन में संसाधनों की कमी के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी मुख्य बाधक रहे, फिर भी इस दिशा में भी जो कुछ प्रयास हाल के वर्षों में वे सराहनीय है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कल क्वेश्चन नंबर 22 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।